अभी निकल आए हम M2M फेरी के बाहर, ये पीछे खड़ी M2M फेरी, यहीं से हम शुरू करेंगे पार्ट टू। अब यहाँ से हम निकल चुके हैं, मांडवा जेटी एक्सप्लोर करेंगे आगे जाके हम, क्या नाम है, अलीबाग एक्सप्लोर करेंगे अलीबाग एक्सप्लोर करेंगे। और मास्क हमने इसलिए उतारा है, आजू बाजू कोई नहीं है, हम दो ही हैं साथ में, इनका तो चालान काटने वाला भी कोई नहीं है चालान काटने वाला इन्होंने तो दो डोज भी कंप्लीट कर ली अपनी वैक्सीनेशन की। यस, वैक्सीनेशन के बाद ही मास्क लगाना जरूरी है सिर्फ कैमरा के लिए, आजू बाजू कोई नहीं है तभी हमने मास्क उतार रखा है। चलिए, सत श्री अकाल एवरीवन, आई होप एवरीवन इज हैविंग अ ब्लिसफुल ब्लिसफुल डे विद द लवली एवरीवन। उम्मीद करता हूँ बहुत खुश होंगे आप सभी। मुंबई से साइकिलिंग करने आ रहे बच्चे यहाँ पे, ये गाड़ियाँ जा रही हैं उसके अंदर। खैर, वो पार्ट वन में सब बता दिया, सारा पार्ट टू भी उसी पे बनाना है क्या ओके आगे चलेंगे लास्ट लेनी है, ले ले फोटो भाई। ये है मांडवा जेट्टी आने का फ़ायदा, इतनी खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें हैं ना यहाँ पे, कोई भी फोटोग्राफर, इंस्टाग्रामर या यूट्यूबर कुछ भी हो यहाँ आ सकते हो, बहुत खूबसूरत खूबसूरत जगह है फोटोग्राफ्स के लिए स्पेशली। जेटी बहुत ही खूबसूरत जगह है, आप आएंगे आप यहाँ बैठ सकते हैं, यहाँ बैठ के खाने का लुत्फ ले सकते हैं। सोच के देखो, ये वॉकवे है, वहाँ जाओगे, वहाँ से छोटी वाली फेरी मिलती है आगे से। यहाँ देखो, ये हाई टाइड लो टाइड यहाँ पे चलता है, जब हाई टाइड होगी पानी ऊपर आ जाएगा, देखो ऊपर आया हुआ है, यहाँ तक पानी आ जाता है, और लो टाइड होगी नीचे चला जाता है। फिलहाल मैं आगे जाऊँगा, नगांव बीच करके एक नाम है, वहाँ जाऊँगा, वहाँ जाके हम वाटर स्पोर्ट्स होते हैं, देखता हूँ अगर पोस्ट कोविड, अभी हाल फिलहाल कोविड की रिस्ट्रिक्शंस बहुत खुल गई हैं, अगर वहाँ पे अभी रिस्ट्रिक्शन खुल गई होंगी तो वाटर स्पोर्ट्स लेंगे, करेंगे, मज़ा करेंगे, टाइमली वापस भी आना है। मैं फिर बोल रहा हूँ, इंस्टाग्रामर्स और यूट्यूबर्स के लिए ये चीज़ ना जन्नत से कम नहीं है, स्पेशली फॉर इंस्टाग्रामर्स। आइए, यहाँ फ़ोटो खींचने की अनगिनत जगहें हैं, कहीं भी जाएँ फ़ोटो खींचे, फुल मज़ा करें। मुकेश मेरा फ़ोटो खींच रहा है, मैं जबकि वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये देखो। तो चले मेरे भाई, लेट होते जा रहे हैं। तो अभी हम नगांव बीच पहुंच चुके हैं, यहाँ के लोग उसे नायगांव बीच बोल रहे हैं, इंटरनेट उसे नगांव बीच दिखाता है, तो मैं आपको जादू दिखाता हूँ। ये मेरे जूते चप्पल ये सब डाल रखे हैं, अब इसको क्या करने वाला हूँ मैं जादू के साथ ही, रेडवान टू थ्री, नहीं वन बोला, वन टू थ्री, बदल नहीं रहा है, वन टू थ्री, चैन जादू, थोड़ा लीजिए आओ, अरे लीजिए आओ थोड़ा थोड़ा और, वेलकम टू नायगांव बीच, अरे कितना नहीं ऊपर, थोड़ा और ऊपर, थोड़ा और ऊपर, थोड़ा और कोविड सिचुएशन की वजह से यहाँ वाटर स्पोर्ट्स इतने नहीं है, सिर्फ ये घोड़े वो ATR जो है राइड है, और साथ में कुछ छोटा मोटा है, अदरवाइज यहाँ पे आपको बोट पे वो जो ग्लाइडिंग होती है ना ऊपर, आपको आसमान में ऐसे लेके जाते हैं, वो भी होती थी, स्पीड बोट भी थी यहाँ पे, पैराग्लाइडिंग नहीं बोलती, ना वो पहाड़ से होती है। तो अभी ये सब नहीं हो रहा है, आई होप जल्दी फ्यूचर में नियर बाय जल्दी होगा। केश भाई हैप्पी हैप्पी, वाइट डाला आपने भी, मैंने भी वाइट कर लिया। एक और मैजिक ट्रिक दिखाऊंगा, अभी दिखा दे, अभी रुक के दिखाएं, आपको भी नहीं पता, जंप मारना है, जंप मार, तो वन टू थ्री, ओ माय गॉड, कपड़े बदले गए,
जूते भी बदले गए, सब बदल दिया। That's magic। मांडवा जेटी पे वापस आ चुके हैं और अब इस बार मैं M2M फेरी में वापस ही जा रहा है। इस बार हम जाएंगे छोटी वाली जो फेरी है उसके अंदर, इसका नाम है मालदार करके नाम है, इसके अंदर जाएंगे। इसके चार्जेस भी कम है, 215 रुपए की टिकट है सिंगल पर्सन की, और वन साइड उसकी थी 360 रुपए की टिकट, तो हमने ऑलमोस्ट 145 रुपीज बचा लिए इसमें, तो इट्स अ गुड डील, क्योंकि हमारा खर्चा जो ऑटो में बहुत ज्यादा हो गया। अगर आप यहाँ पे आते हैं अलीबाग, बिलीव मी अपनी व्हीकल लेके आए, क्योंकि वो जो M2M फेरीज है उसमें आप व्हीकल लेके आ सकते हो। अगर बिना व्हीकल के आओगे आपके ऑटो ऑटो में इतना खर्चा हो जाएगा, हमारा सिर्फ 1200 रुपया ऑटो में सिर्फ नायगांव जो बीच है वहाँ तक जाने में हो गया, जाने आने में 1200 रुपया। अगर हम अपना व्हीकल लेके आए होते वी हैव सेव अ लॉट ऑफ मनी, बट चलो जो भी है हमारे पास व्हीकल नहीं था, हम उस वे में गए, आपका पैसा बहुत बचेगा अगर यहाँ आओगे व्हीकल लेके आओ प्लीज़। तो खैर अभी ये 7 बजे की फेरी है और हमारे पास अभी अबंडेंस ऑफ टाइम है, हमारे पास अभी लगभग 1.25 घंटा हमारे पास पेंडिंग है। अभी एम्ब्रेस द अलीबाग लाइफ बिल्कुल वैसे ही करेंगे, अभी अलीबाग को एंजॉय करते हैं और देखते हैं कितना खूबसूरत है, खूबसूरती दिखाऊंगा आपको। वैसे मैंने आपको इधर का हिस्सा दिखा दिया था, एक चीज दिखाता हूँ मुकेश भाई, थोड़ा आइए इधर को। अकेला हूँ इसलिए मैंने उतार लिया, खड़े होके जाना है, अंदर सीट नहीं है। ये पीछे मेरे एसी वाला है, फुल फ्लेज फील्ड है, और पीछे मेरा है नॉन एसी ओपन एयर, और वहाँ पे भी कोई सीट नहीं है। नीचे कुछ एक दो सीट खाली थी पर सिंगल सिंगल एक एक जगह पे, तो मुकेश और मैं इकट्ठे नहीं बैठ पाएंगे, तो एम्बियंस का मजा लूंगा। बिल्कुल अंधेरा है, रात का वक्त है और ताज़ी ताज़ी हवा आ रही है। ऑफ इंडिया और ये रहा ताज महल होटल, बहुत खूबसूरत है। मेरे को पता है जो लोग मुंबई आना चाहते हैं उनकी बकेट लिस्ट में जरूर होगा ताज महल होटल, वहां जाना और गेटवे ऑफ इंडिया जाना। तो यहीं पे वीडियो का अंत मैं कर रहा हूँ और उम्मीद कर रहा हूँ आपको वीडियो उतना ही पसंद आया होगा जितना मुझे पसंद आया इसको बनाते हुए, और यहाँ पे आप सबसे लेता हूँ अलविदा। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, किसी की मुस्कुराहट की वजह बने तो बहुत बहुत सुकून मिलेगा दिल को आपको भी। और जो मेरे फादर हमेशा बोलते हैं वही बात मैं बोलूंगा कि जिंदगी में जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा आगे भी अच्छा ही होगा। मुंबई आइए, ये खुशियां आप ग्रैब करिए, खुश रहिए और साथ में खुशियां बांटते रहिए। चलिए बहुत बोलिए, गुड बाय, इतना लंबा हो गया ना अपना कसम से, चलिए।